अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप भी सारे ठीक होंगे। अब लेते हैं आयशा का सलाम। आयशा, आयशा जो खेल रही है बैठी हुई इधर। अस्सलामुअलैकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आयशा ठीक है। और बाबा किधर हैं? बाबा किधर हैं? बाबा बताओ, बाबा किधर हैं? बाबा किधर हैं बताओ ना, किधर हैं? किधर हैं बाबा? ये यानी कि बताना चाह रही, बाबा पेपर चेंज किए हैं बाबा ने और बाबा बाहर चलेंगे। और बाबा क्यों बाहर गए हैं ये आप लोगों को अरे ही बताएंगे खुद, मतलब कि वो भी उन्होंने भी साथ साथ व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, तो वो भी साथ साथ बना रहे हैं। और मैंने कहा कि मैं और आयशा गए तो क्यों ना मैं भी फिर साथ ही स्टार्ट कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ और अली क्या करती है, सारा आप लोगों को दिखाते हैं हम। तो यहाँ मैं ना आयशा के लिए फीडर भरने जा रही हूँ, ये वॉश करके ये भरने जाऊंगी दूध का, और ये साथ मैं पानी की बॉटल्स भर के अपने पास रखूंगी क्योंकि हम अभी सोए नहीं है, अब हम सोएंगे। सोने से पहले ये सारा काम करना होता है, इसके डायपर शाइपर जो है सारा कुछ मैंने रखना होता है अपने पास। हैप्पी बर्थडे कर दिया, जब भी इस बलून को देखती है ना तो ये इसको कहती हैप्पी बर्थडे करती है। मैं डिस्पेंसर से पानी भरने आई हूँ और यहाँ पे पानी की बोतल जो से बिल्कुल खत्म हो गई हुई है, अभी जितना है वो वाला इस बोतल में भर लेती हूँ और बाकी जो सा बोतल भरी हुई है उसमें से थोड़ा सा पानी ले लूंगी, वो भी उसके अंदर भर लूंगी। जी मेरी तो दोनों बोतल जो से ये फिल हो गई, चले शुक्र है दोनों बोतल फिल हो गई। अब बाकी जो डिस्पेंसर जो है अब खाली हो गया हुआ है, ये इस बोतल में बिल्कुल पानी नहीं रहा, तो मैंने कहा स्विच उतार देती हूँ। इसका स्विच कौन सा है? ये वाला ब्लैक वाला, इसका स्विच उतार देती हूँ क्योंकि जब खाली डिस्पेंसर चलते हैं ना तो इस तरह जलने का भी खतरा होता है। जब तक ऊपर पानी की बोतल ना लगी हो तो डिस्पेंसर नहीं चलाते, तो इसलिए मैंने स्विच उतार दिया। और बाकी अब अली आएंगे तो वही अब बॉटल वगैरह लगाएंगे तो वही अब डिस्पेंसर भी ऑन होगा। इसे मैं आयशा को दूध बना के दे गई थी और ये पी रही है ताकि ये तंग ना करे, रोए ना, क्योंकि अकेली है ना तो इसलिए मैंने कहा रोए ना, तो इसको दूध बना के दे गई तो ये पी रही है। और मैं अपनी बोतल जो वो फिल करके ले आई हूँ, इनको अब रखूंगी साइड टेबल पे, तब तक हम नींद पूरी करेंगे तब तक हमारा ये पानी चल जाएगा। आयशा तो सो गई अपना ब्लैंकेट लेके, छोटा सा ये इसलिए लेती है क्योंकि ये वाला ना हल्का सा है और ये जब इसका दिल करता है ना उतार देती है, इसको गर्मी बहुत लगती है। और मैं भी सोने लगी, मैं भी बस थक गई हूँ, अब मुझे इतनी नींद आई हुई ना शदीद, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा और मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा। चले अब उठ के ना फिर मिलते हैं। बेगम ने आपको सारी सिचुएशन तो बताई होगी, नहीं भी बताई तो मैं बता देता हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ गुजरांवाला। गुजरांवाला मुझे एक काम है, लेकिन ना इतने प्यारे मौसम में ना मुझे आयशा की और अक्षा की बड़ी याद आ रही है कि वो भी मेरे साथ होती तो हम दोनों ने तीनों ने बड़ा एंजॉय करते जाना था। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि लाहौर रोड जो है ना बहुत ज्यादा खराब है, अभी भी आप लोगों को चटके पता चल रहे होंगे। ये अभी देखिएगा एक और जंप आने वाला है, ये देखिए ये ऐसे ये जितने भी है ना सड़क पर सारे जंप भी बने हुए हैं। तो मुझे ना गुजरांवाला एक काम था, बहरहाल वो काम जाके देखते हैं होता है कि नहीं, अभी हो गया तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि क्या काम था। बहरहाल अभी मैं जा रहा हूँ, अभी तो बिल्कुल मैं लाहौर के अंदर ही हूँ, बस ये अभी देखिए आप लोगों को पता चल जाएगा तकरीबन ये शदरे वाली साइड है, तो यहाँ से निकलते हैं जाते हैं। अभी मैंने बेगम को फोन किया था, कहती है आपने व्लॉग बना रहे हैं साथ साथ, मैंने बताया मैं आप भी व्लॉग बनाएंगे, मैंने कहा मैं बना रहा हूँ साथ साथ व्लॉग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि बेगम भी अब साथ साथ घर में व्लॉग बनाती है, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं भी अपनी चीजें साथ शेयर कर देता हूँ आपके, कि मैं घर से जब अकेला निकलता हूँ सारी बात उसको तो मैं भी साथ लेके नहीं निकल सकता, क्योंकि ये वाले रोड पर ट्रेवल वैसे भी करना ही नहीं चाहिए अभी जिस तरह की उसकी कंडीशन है। ये जी आ गया हमारा पहला टोल प्लाजा, बस यहाँ से टोल प्लाजा देते शुरू करने हैं और अब जाके गुजरांवाला एक और टोल प्लाजा बस ले यहाँ पे जी एक टोल प्लाजा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है भैया, मेहरबानी बहुत बोले जी। एक टोल प्लाजा हो गया, पहले ये जो ड्यूटी होती है ना ये वाली ड्यूटी होती है बेगम की, बेगम मुझे टोल टैक्स के लिए पैसे निकाल के दे रही थी लेकिन आज खुद ही निकालने पड़ेंगे, मैंने इसलिए यहाँ पे रख लिए हैं। गुड मॉर्निंग, मैं उठ गई हूँ और मैं अभी अपने लिए नाश्ता बनाने जाने लगी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ व्लॉग बनाती हूँ। और यहाँ पे आयशा जो है वो सोई हुई है, मैंने कहा चलो इसके सोए सोए ना मैं अपना नाश्ता भी बना लेती हूँ ताकि मैं बार बार देखने ना हूँ, जल्दी नाश्ता बना लेती हूँ। मैं किचन में आ गई, मैंने चाय भी रख ली थी, चाय जो है मेरी बन गई हुई है, एक कप चाय साथ एक ब्रेड मैंने कर लिया टोस्ट, और ये चार नगेट्स आज निकाले मैंने आयशा के लिए क्योंकि मैंने आयशा को ना काफ़ी टाइम से नगेट्स नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा आज उसको ना नगेट्स देती हूँ क्योंकि जैम ब्रेड तो वो खाती रहती है, तो आज नगेट्स देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैं, और साथ अपने लिए एक अंडा फ्राई करूँगी और दो नगेट्स मैं खा लूँगी, एक या दो आयशा खा लेगी। नहीं ब्रेड एग बना लिया, चाय भी मेरी बन गई है, अब ना नगेट्स की बारी है, नगेट्स को फ्राई करूँगी मैं किसी ऑयल में ना आयशा के नगेट्स भी करती हूँ, माइक्रोवेव में लगा के लेके आई, थोड़े से नरम हो गए क्योंकि फ्रीज हुए हुए थे, इसलिए अब इनको मैं इस पर लगाऊंगी फ्राई करूँगी ऑयल में, वन बाय वन डाल दे जाएंगे। से पकड़ा भी नहीं जा रहा, मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया, आयशा का भी रेडी हो गया, अब चलते हैं अंदर, अंदर जाके आयशा को बिठाते हैं, खुद भी नाश्ता करती हूँ, आयशा को भी करवाती हूँ।
आयशा बेबी, आयशा तो नहीं उठने का नाम भी ले रही, सोई हुई है ना, लेट सोई थी इसलिए उसकी नींद पूरी नहीं हुई। आयशा आयशा ऐसे नहीं उठेगी, इसको आके उठाते हुए नगर्स ले आऊँ ना। मेरा और आयशा का नाश्ता आ गया, आयशा को उठाती हूँ, ये तो उठने का नाम ले ही नहीं रही। आयशा आयशा कैंडी खानी है, कैंडी इसी तरह उठेगी वरना नहीं उठेगी ये। आयशा वो देखो बहना आ रही है, बहना बहना से मिलने मिलने, गुड मॉर्निंग, इधर देखो गुड मॉर्निंग। आओ ये देखो आपके लिए क्या बना के लेके आई हूँ, ये खाने खाने, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं ना, यम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह, फ्रेश फ्रेश उठती है माशाल्लाह। बाबा को मिस नहीं कर रही आप, बाबा को मिस नहीं कर रही, किधर है बाबा, बाबा किधर है, बाबा चले गए हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ अभी आप, गुड मॉर्निंग, आ जाओ मेरा बच्चा इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इस टेक लगा के इधर बैठ जाओ, आओ इधर टेक लगा के बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसे लगा के दो फॉक पे, ये मेरा बेबी खाएगा, ओके यम्मी यम्मी। चाय पी लूं, मुझे कह रही थी आप भी चाय पी लें, आप भी नाश्ता करें, मैं करती हूँ नाश्ता मेरा बच्चा, ओके। ले जी, बंदा गुजरा वाला आए और ये वाला दाल चावल बंदा छोड़ दे तो फिर गुजरा वाला आने का फायदा नहीं है। मैंने बेगम से पूछा है, मैं तो अभी दाल चावल खा रहा हूँ, आपने नाश्ता कर लिया, वो कहती मैंने तो नाश्ता कर लिया, और मैंने कहा आपने दाल चावल खाने तो मैं आपके लिए आता हूँ, तो कहती मेरे लिए दो प्लेट, एक अपने लिए प्लेट ले आइएगा और एक मेरे लिए ले आएगा, तो मैंने कहा मैं पैक करवा के ले आऊंगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो काम था ना, असल में अक्सर मेरा जो निकाह नामा है ना वो गुम हो गया था, मैं निकाह नामा जो है ना निकलवाने के लिए यहाँ पे दोबारा आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला काम हो गया। अभी सिर्फ दिल कर रहा है चुप करके दाल चावल खाए जाए, ये दाल चावल पहले इंजॉय करो, क्योंकि जितने गर्म गर्म होते ना उतने ज्यादा मजे के लगते, जब ठंडे हो जाते हैं ना फिर वैसा मजा नहीं आता। बरल जाते अक्सा के लिए भी एक प्लेट करवानी है और अपने लिए भी एक प्लेट पैक करवानी है, और दूसरा बस इसके बाद सीधा इंशाल्लाह घर ही जाना है वापस। यार बेगम आपने जो एक चीज कही थी ना वो नहीं मिली, पूछे क्या? क्या दाल चावल तो आपने कहे थे वो तो मैंने पैक करवा के साथ रख लिए हैं, ठीक है, रोला अब ये बना है कि जो आपने वो नहीं मुझे कहे थे वो क्या कहते हैं, बर्फी कही थी, बर्फी का ये सीन बना है कि वो बर्फी वाली दुकान में मैं आया हूँ तो दुकान ही आगे से खत्म होगी, वो दुकान ही बंद होगी, वहाँ पे बिजली वाली दुकान बनी हुई है, अब क्या करूँ फिर बर्फी का, अब मुझे और कोई नहीं, आप कोई नहीं दाल चावल ही ले आए, पक्की बात है, नाराज तो नहीं हो जाएंगी? नहीं, 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 नहीं जी, यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत है, मैं फिर भी दिखा दे तो अक्सा को भी पता चल जाएगा। ये अब जिधर नहीं लिखा मीर इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स, यहाँ पे पहले होती थी बर्फी वाली शॉप, अब वो यहाँ पे ये ही रह गई इलेक्ट्रिशियन वाली, बिजली वाली दुकान रह गई, बर्फी तो खत्म हो गई है, बहरहाल स्विच वगैरह है पैक करवा ले तो अक्सा के लिए, ये सामने वाली शॉप थी तो मैंने कहा चलो यहाँ से बर्फी पकड़ लेता हूँ, जाते जाते तो वो मिली नहीं, बंद हो गई या पक्की पक्की ही खत्म हो गई यहाँ से दुकान ही। आप भी काम करने आ गई, आप बर्तन शर्तन वॉश कर रही है, बाहर के काम कर रही है, और मैंने कहा मैं अपने ना कपड़े शपड़े यहाँ से देख लूँ जो मैंने डाले थे, और मैंने कहा चले बाद में उठ के ना इनको सर्फ वगैरह डालूंगी फिर मशीन ऑन करूंगी, और ये वाले कुछ मैंने निकाल दिए थे, निकाल के अभी इनको फिराने लगी हूँ और साथ साथ मशीन भी लगा देती हूँ। चले मशीन बंद करते हैं, अब मशीन को ऑन करते हैं, इधर मैं इस पर ही लगाती हूँ हमेशा। चलो स्टार्ट, कल ऐसा सारा दिन वेट करती रही है बहना का, और बहना आ जाइए है ना, आ जाइए बहना, बहना के साथ अपने सारे टॉयज जूते अपने छोटे होते के निकाल के खेल रही है, अब खेलो बहना के साथ खेलो। जी ऑयल कौन सा, मैं बताती हूँ आपको, आयशा तो बाहर अपनी बहना के साथ खेल रही है, आप ही अंदर रूम नीट कर रही हैं, और यहाँ मैं आयशा के लिए दूध भी बॉयल कर रही हूँ, दूध आज दूध दे गए थे दूध वाले, तो यहाँ चाय मैं आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ, मैंने कहा आप ये काम करती हैं तब तक मैं चाय शाय बनाती हूँ, ये मेरा मस्ट है, मैंने आप ही साथ चाय पीनी पीनी होती है, उनकी बेटी है तो साथ बेटा होता है तो वो आप ही होती है, तो मैं उनके लिए चाय सबके लिए बना रही थी, और आज तो मौसम भी ऐसा ना ठंडा हुआ हुआ है कि मैं इस मौसम में तो चाय जोन सी नहीं बनती ही बनती है। चल जी इधर जो है दूध भी बॉयल होना शुरू हो गया और मैंने चाय बना ली, ये आपी के बेटे को नीचे जाएगी, और ये आपी और आपी की बेटी की, ये मैंने अपने लिए थोड़ी सी बनाई क्योंकि मैंने नाश्ते में पी है, मैं सिर्फ दो बार पीती हूँ, अब अली आएंगे तो अली के साथ एक बार पीऊंगी, आपी लोगों के साथ पीऊंगी एक बार चाय। आशा की आपी जोन सी वो चली गई, और आशा जोन सी यहाँ खड़ी हो गई ना बाबा का वेट करना शुरू कर दिया, और मैंने कहा कि अली के आने से पहले ना कोई खाना शाना बना लेती हूँ, या लोबिया बना लेती हूँ, राइस तो है नहीं हमारे घर, अब क्या करें,
चले अली आते हैं तो अली को कह दूंगी नीचे से ना ना राइस देते हैं, और वो कह दूंगी और लोबिया रख लेती हूँ ऊपर, या फिर देखते दाल बनानी हो तो दाल बना लेती हूँ। लोबिया अली ना शौक से खा लेते हैं, दालें मैं शौक से खाती हैं, लेकिन मैंने कहा चलो ये लोबिया बना लेती हूँ, क्योंकि ये तो अली का मोस्ट फेवरेट जिसको कहते हैं मोस्ट फेवरेट है अली का, ये लोबिया और साथ राइस, तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ, अली आएंगे और सरप्राइज भी हो जाएंगे। तो अली के आने से पहले उनको ये सरप्राइज उनके लिए रेडी करती हूँ मैं, जब भी वो कहीं जाते हैं तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बना के रख लेती हूँ, आके खुश हो जाते हैं। प्रेशर कुकर लगा दिया, इसमें लोबिया रख दिया है, और अब मैं जो ना एक मेरी शर्ट है उसको स्टिच करना, मैंने कहा चले वो भी कर लेती हूँ, और आशा को भी देखते हैं, आशा को करनी, ये खड़ी होकर लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? चॉकलेट तो मैं लेके नहीं आया, मैं नहीं लेके आया चॉकलेट, वो वेट कर, मुझे नहीं याद रही चॉकलेट आपने कहा था मुझे जाते हुए बताओ। उसको लग रहा पापा आते हुए चॉकलेट, मैं लेके नहीं आज आया, आज यही तो मसला हुआ है, मुझे याद ही नहीं रही। बाबा को गले नहीं मिली, कैंडी दे दे, कैंडी दे दे मेरे, कैंडी देती हूं, कैंडी दे, प्यार करो, प्यार कर दो, ये करना प्यार कर दो, अगर चॉकलेट के बगैर आ गया प्यार, प्यार कर दो, कर दे प्यार, प्यार आया मैं बाबा पे। कैसी है? किधर थी आप? मुझे कहती है बाबा ने बेबे चेंज की है, बाबा चले गए। किधर थी आप छुबा की? उधर खड़ी हुई थी, इधर विंडो के पास, वो आपका वेट कर रही, उधर विंडो में मजा आ रहा है। जो सी गाड़ी गुजरती है ना उसको कहती है बाबा आ गए, बाबा आ गए, किच कर दो, किच कर दो, आई लव यू, माशाल्लाह, चलो 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 चलो, कब से वेट कर रहे थे हम आपने, मुझे लगता नहीं है मुझे पूरा दिन याद किया है, लग रहा है ना। वैसे अब मुझे अभी आगे पता चल गया था, जब मैं विंडो, आप नीचे पहुंचे हो ना तो आप विंडो में खड़ी होगी, पापा पापा आवाज दे रही थी, पता चल गया था इसको गाड़ी आ गई है, मामा पापा आ रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं। और पता पता पूरा क्यों नहीं था लग रहा, क्योंकि ना शीशा धुंधला हुआ है ना, बहुत ठंडक के साथ, और सामने लाइट मुंह पे पड़ती है ना, पड़ती है, तो वो जो उधर नीचे खड़ा था नजर नहीं आता, नजर नहीं आ रहा था, ऊपर नजर आ रहा है। बहरहाल जी, मैं बेगम के लिए चावल पैक करवा के लेके आया था, बेगम ने मेरे ख्याल से कुछ लोबिया वगैरह घर में बना ही रही थी, मुझे बता रही है, हालांकि मुझे बताया था कॉल पे, मैं मेरे माइंड नहीं, ये कौन सा इतने ज्यादा खाई, तो ये है की चलो बस गुजरा वाला चक्कर लगा था, तो दाल चावल आपके लिए भी लाए, खुद मैंने खाया, दाल चावल है, तो मैंने नहीं कहा कि आप ना आते हुए ये लेके आना, लेकिन मैं आपको मजे की बात बताता हूं, जो उस टाइम ये गरम गरम लग रहे होते हैं ना, अब मुझे ही पता है वैसे नहीं लग, क्योंकि उस टाइम दाल बिल्कुल ऐसे नरम सी होती है, वो तो ऐसे फ्रेश बने हुए होते हैं, फ्रेश भी लाग देते हैं, ऊपर दाल, ऊपर वो क्या अंडा, अंडा भी डालते हैं, सैलड होता है, रायता होता है, मजे का लगता है ना, लेकिन अब घर लग रहा, डिफरेंट लग रहे हैं, डिफरेंट लग रहा है, मैं भी अक्सा के साथ अभी खा के चेक करने लगा हूँ, इसके तो सारी वो एक्लेयर ही फंसी पड़ी है, कैंडी फंस गई है सारी, दांतों में चिपक जाती है सारी, क्या हुआ है कितने चिपके दिखाओ, ई करो, ई आए, अली तो सो गए, और आशा जॉनसन यहाँ दूध पी रही है, और मैं अपने लिए ऑरेंज लेके आई हूँ, जो अली दाल चावल ले गए थे मैंने वही खाए हैं, और अब मेरा दिल करेगा मैं ऑरेंज खाऊं, ऑरेंज खा के फिर मैंने भी सो जाना, क्योंकि आशा भी दूध पीती पीती सो जाएगी, अली तो ऑलरेडी सो गए हैं थक हार के। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, आशा को भी करना है, फिर दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।